नमस्कार, आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं और जितने भी दर्शक मेरे साथ अभी लाइव जुड़ने वाले हैं या फिर जो लोग बाद में इस वीडियो को देखेंगे, उन सभी को मेरी तरफ से राम राम। अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरे नेशन को एड्रेस ख़त्म हुआ है। 8:45 पर यह एड्रेस शुरू हुआ था और अभी कुछ क्षणों पहले ये एड्रेस ख़त्म हुआ है। काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे थे कि शायद हो सकता है कि नेशन वाइड लॉकडाउन लगाने की शायद अनाउंसमेंट करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं है और लॉकडाउन की नौबत नहीं आनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से कंडीशन जो बनी हुई है और ख़ास करके पहले लॉकडाउन की वजह से जो लोगों की माली हालत काफ़ी ख़राब हुई थी, काफ़ी खस्ता हुई थी, उसको देखते हुए अब लॉकडाउन नहीं लग सकता। तो इससे एक चीज़ साबित है कि लॉकडाउन नहीं लग सकता। हाँ, माइक्रो कंटेनमेंट जोन के ऊपर भी उन्होंने ये कहा है कि लोगों को ये चाहिए हर इलाके में, हर लोकेलिटी में जो हमारे युवा हैं वो एक कोरोना से बचने के लिए छोटे छोटे कैंप्स लगाएं, ताकि उन कैंप्स में लोगों को समझाया जाए मास्क डालने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए और वैक्सीन लगाने के लिए। अगर ये चीज़ होती है तो उससे किसी तरह का माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी नहीं बनेगा। इसके अंदर एक बात उन्होंने और साफ कर दी कि जो लोग वैक्सीन लगा रहे हैं वो एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और लोगों को जिन्होंने वैक्सीन नहीं भी लगाई है वो जल्द से जल्द वैक्सीन लगाएं, क्योंकि वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशन एड्रेस के अंदर एक बार फिर से धन्यवाद किया सभी हेल्थ वर्कर्स को, सभी लोगों को जो लोग लगातार कोरोना के अंदर लड़ रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं, जो पहले वेव थी कोरोना की उसके अंदर कई सारी मृत्यु रिपोर्ट हुई थी, उसके बाद जो अब ये सेकंड वेव आई है, हालांकि मृत्यु हो रही है लेकिन काफ़ी सारे लोग जो हैं वैक्सीन लगने की वजह से बच भी रहे हैं, जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात प्रधानमंत्री ने कही है, जिससे कि जो इनका अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अभी भाषण ख़त्म हुआ है, जो नेशन एड्रेस था, उसके अंदर उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी तरह का कोई भी लॉकडाउन देश के अंदर अभी फ़िलहाल नहीं लगेगा, क्योंकि देश इस स्थिति में नहीं है कि अभी कोई लॉकडाउन लगाया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जाएगा, अगर लोग चाहें तो वो भी नहीं बन सकता, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा फोकस है जो वैक्सीन लोगों को लगनी है, खास करके जो 18 साल से उम्र में ज़्यादा हैं। जो लोग 18 साल से उम्र में ज़्यादा हैं उनको पहली मई से जो है वैक्सीन लगेगी, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा जोर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी तरह का भी लॉकडाउन नहीं लगेगा। जो लोगों को एक दिमाग में रह रहा था कि लॉकडाउन की परिस्थिति बन गई है, शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है एड्रेस किया है, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल किसी तरह का कोई लॉकडाउन नहीं है। प्रधानमंत्री ने बड़ी सारी बातें साफ की हैं और उन्होंने जो बड़े अच्छी इंपॉर्टेंट बात जो लगी है उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने युवा साथियों से अनुरोध किया है कि मोहल्लों में, सोसाइटियों में छोटी छोटी कमेटियाँ बनाएं, ताकि कोविड के ऊपर अनुशासन पाया जा सके। एक डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई जाए जिस पे कोविड के ऊपर कंट्रोल किया जा सके। ऐसे करने से सरकार को कंटेनमेंट जोन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, और इसके अंदर मैं चाहूँगा कि हम भी इसी चीज़ के ऊपर बात करें कि लोगों को अपने अपने मोहल्लों में एक कंटेनमेंट जोन बनाना चाहिए। इसके अंदर जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, खास करके जम्मू से, उनको मैं कहूँगा हर इलाके में, कश्मीर में भी हर इलाके में जो सोसाइटीज़ हैं उनको अपनी एक अपना वहाँ पर जो है लोकल एक कमेटीज़ बनानी चाहिए, जिसके अंदर उन कमेटीज़ के अंदर ये डिसाइड किया जाए कि भाई लोगों को किस तरह से अवेयर किया जाएगा कोरोना वायरस को लेकर, किस तरह से डिसिप्लिन सिखाया जाएगा कि अगर आपको बाहर जाना है मास्क लगा के जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, इसके अलावा वैक्सीन लगानी है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके ऊपर एक बड़ा जोर दिया है। और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि इसमें प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है कि जो ऑक्सीजन की पहले कमी देश के अंदर थी वो आज उस हिसाब से नहीं आ रही है, लेकिन कुछ जगहों से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लेकिन किसी तरह की ये रिपोर्ट्स भी नहीं आ रही कि ऑक्सीजन की वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। हाँ, कुछ इलाकों से आ रही है, उनके ऊपर सरकार जो है पूरी तरह से काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से काम कर रही है, लेकिन अभी तक की जो सबसे बड़ी खबर है उसमें किसी तरह का कोई भी लॉकडाउन नहीं है। और उन्होंने और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि सबसे ज़्यादा जो तेज़ी से भारत ने वैक्सीन लगाई है, जिसके अंदर काफ़ी लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लगा चुके हैं
और इसके अंदर उन्होंने धन्यवाद भी किया है काफ़ी सारे लोगों को, और उन्होंने स्पेशली ये कहा है कि ये आम लोगों की जीत है जो कोरोना वैक्सीन मैक्सिमम लोग लगा रहे हैं, और उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि आप लोग अपना ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और वैक्सीन लगाएं। इस चीज़ों को हम अगर फॉलो करेंगे और साथ में जो छोटे छोटे इलाके हैं उनमें अगर हम कमेटीज़ बनाएंगे अवेयर करने के लोगों को, तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखते रहें जेके मीडिया, हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। आशीष कोहली, जेके मीडिया के लिए कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।